हेलो, वेलकम टू सिवेन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय तथा उनके जो हेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व के जो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके जो हेडक्वार्टर हैं और उनके जो हेड हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम जानेंगे। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व पर्यटन संगठन। जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसे विश्व पर्यटन संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में है और इसके जो हेड हैं सेक्रेटरी जनरल जुराब पोलोलिकास विली। जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो इसको फाउंडेड किया गया था 1 नवंबर 1975 को। अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुराब पोलोलिकास विली। इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। इसको फाउंडेड किया गया था 1 नवंबर 1975 को। ये स्थापना दिवस है इसकी। और इसका जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन। जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं फर्नांडो एराइज हैं और इसे फाउंडेड किया गया था 29 अप्रैल 1997 में। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी OPCW, इसे शॉर्ट में OPCW कहा जाता है, यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, रशियन, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच और स्पेनिश है। जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है इसको विशेष तौर पे रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक हथियार के विकास, निर्माण, भंडारण तथा उनके प्रयोग को रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी इसको शॉर्ट में CTBT भी कहा जाता है। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन कहा जाता है। इसका गठन 19 नवंबर 1996 को किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो ये ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। जो इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं डॉक्टर लासिना जेरबो हैं। जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन है ये CTBT भी कहा जाता है। यह भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण करने के लिए इसको इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके 164 मेंबर स्टेट हैं, यानी जो यहाँ पे स्टेट यूज किया गया है ये कंट्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो मेंबरशिप हैं वो 164 देश हैं। इसको 1 जनवरी 1995 को फाउंडेड किया गया था, यानी इसकी जो स्थापना दिवस है 1 जनवरी 1995 को की गई है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकांजो इवेला, यानी नोगोजी ओकोंजो और इवेला इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है। और एक बार और देख लेते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसे विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो विश्व व्यापार संगठन है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी WIPO, या इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहा जाता है। जो WIPO है
इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो हेड हैं यानी डायरेक्टर जनरल वो डैरेन टैंग है और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन है। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका जो ये बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाने तथा बौद्धिक संपदा को संरक्षण करने तथा उसके उपयोग में तेजी लाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसे शॉर्ट में UNIDO यानी यू यूनाइटेड से यू, नेशन से एन, इंडस्ट्रियल से आई, डेवलपमेंट से डी और ऑर्गेनाइजेशन से ओ यानी UNIDO के नाम से भी जाना जाता है यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संपदा संगठन यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके जो हेड हैं डायरेक्टर जनरल यानी हेड ली योंग है। ली योंग इसको कई बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा ली योंग। इसका जो स्थापना दिवस है 17 नवंबर 1966 को मनाया जाता है यानी इसकी जो स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1966 को हुई थी यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी UNIDO यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संपदा संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसको जो UNIDO है ये विश्व भर में जो लोगों की समृद्धि है, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए एक इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संपदा संगठन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसे शॉर्ट में IAEA कहा जाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसे शॉर्ट में IAEA कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में है यानी इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसको इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को हुई थी। जो IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल हैं राफेल मारिनो ग्रोसी। और अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो जो भारत है 35वें देश के रूप में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में शामिल हुआ था। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, इसे शॉर्ट में WMO कहा जाता है यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो स्थापना है यानी इसका स्थापना वर्ष 23 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डेविड ग्रीम्स हैं और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं पेट्री टालास और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी शॉर्ट में WMO जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका स्थापना वर्ष 7 अप्रैल 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडोनोम यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को
प्राप्त करने यानी विश्व भर में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उनको अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं एड्रिए अजोले। इसका स्थापना वर्ष 16 नवंबर 1945 को लंदन में यूनाइटेड किंगडम देश लंदन में किया गया था। इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन है यानी यूनेस्को, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ये जो यूनेस्को है विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करने के लिए यूनेस्को का गठन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है इसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट। इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और इसका स्थापना दिवस जुलाई 1944 को इसका स्थापना दिवस यानी इसको स्थापित किया गया था। यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करने के लिए वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी शॉर्ट में IMF के नाम से जाना जाता है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की हैं, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो गीता गोपीनाथ हैं और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है और इसका जो स्थापना दिवस है 27 दिसंबर 1945 को है। यानी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वो जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम की मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसे शॉर्ट में FAO के नाम से जाना जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है, इसे 16 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना दिवस है यानी इसको फाउंडेड किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है, इसके जो हेड हैं यानी डायरेक्टर जनरल वो क्यू डोंग्यू हैं और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है। यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ये विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोसो है यानी ECOSOC यानी इकोसोक। इसके जो काउंसिल प्रेसिडेंट हैं वो सल्वाटोर सियाचिटानो हैं, यानी इसके जो काउंसिल प्रेसिडेंट यानी इसके जो हेड हैं वो सल्वाटोर सियाचिटानो हैं। इसका जो स्थापना दिवस है यानी स्थापना वर्ष वो 4 अप्रैल 1947 को
इसको स्थापित किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा है। यानी कनाडा में मॉन्ट्रियल है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना, नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनके निदान तथा उनका निदान करना, इसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे शॉर्ट में ILO के नाम से जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसे कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो फाउंडर है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है और इसे 1919 में फाउंड किया गया था। यानी इसका जो स्थापना दिवस है 11 अप्रैल 1919। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी हेड गाई राइडर। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी ILO, ये श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का विकास किया गया था। जो ILO है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 85वीं वर्षगांठ पर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर्स है मांडालू यांग फिलिप्स, यानी फिलिप्स फिलीपींस में मांडालू यांग है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो स्थापना दिवस है यानी इसका जो स्थापना वर्ष है 19 दिसंबर 1966 को इसे स्थापित किया गया था। और इसके लीडर हैं मासाट सुगु आसाकावा। और इसका जो आइडियल सेंटेंस है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयास जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना वर्ष 19 दिसंबर 1966 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मांडालूयांग में है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसका जो हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसका जो स्थापना दिवस है स्थापना वर्ष उसे 8 अगस्त 1967 है। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जोक होई। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसे NATO के नाम से भी जाना जाता है यानी नाटो के नाम से। जो नाटो है इसका जो स्थापना दिवस है 4 अप्रैल 1949 और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और जो नाटो का सेक्रेटरी जनरल है वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, यानी सेक्रेटरी जनरल नाटो के जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। जो रेड क्रॉस है इसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस एवं रेड क्रेसेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो स्थापना वर्ष है 1863 और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसके जो हेड हैं पीटर मयूरर। नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन यानी SAARC। जो SAARC है SAARC ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 इसका स्थापना वर्ष है
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के काठमांडू में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला विक्रा कून हैं, जो सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला वीरा कून, इसाला वीरा कून। इसके जो सदस्य देश हैं सार्क के जो सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी इसे शॉर्ट में UNEP कहा भी जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, और इसका जो स्थापना वर्ष है 5 जून 1972, और इसके जो हेड हैं इंगेर एंडरसन है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के जो हेड हैं इंगेर एडरसन है, एंडरसन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरपोल, जो इंटरपोल है इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके जो हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में। इसके जो फाउंडर हैं जोहेंस स्क्रोबर हैं। इसका स्थापना वर्ष 7 सितंबर 1923 है, और इसके जो प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग है, यानी इसके जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग, और इसका स्थापना दिवस 7 सितंबर 1923 को है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं जैक्यूस रोंगे। इसके जो प्रेसिडेंट हैं हनरी जो प्रेसिडेंट है वो जैक्यूस रोंगे हैं। इसके जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेच हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोपे डी कीपर। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोपे डी कीपर। और इसका जो स्थापना दिवस है यानी स्थापना वर्ष वो 23 जून 1894 है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी ओपेक, OPEC। इसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन भी कहा जाता है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बारकिंडो। और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जो स्थापना वर्ष है सितंबर 1960। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी OECD। इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन भी कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। इसे 30 सितंबर 1961, इसका जो स्थापना वर्ष है 30 सितंबर 1961। और OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो मैथियस कॉर्मन। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल। इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम, यानी UK लंदन में है। और इसका जो स्थापना वर्ष है 11 दिसंबर 1931। और इसकी जो हेड हैं वो एलिजाबेथ सेकेंड, कॉमनवेल्थ की हेड हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यानी ESCAP। इसे शॉर्ट में स्कैप कहा जाता है। इसे एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका जो स्थापना वर्ष है 28 मार्च 1947 को है, और इसका जो हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में। इसका जो स्थापना वर्ष है 28 मार्च 1947, और इसके जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं मिसेज अर्मिदा सालासिह एलिजा बानू, मिसेस अर्मिदा सालासिह एलिजा बानू। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यानी यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है इसे संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष भी कहा जाता है। इसके जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। और इसके जो हेड हैं हेनिटे H4 हैं, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं टोरे हेट्रेम हैं।
और इसका स्थापना वर्ष 11 दिसंबर 1946 को है। नेक्स्ट है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं, इनको जोड़कर एक नाम संक्षिप्त नाम बनाया गया है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो जून 2006 है और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स टावर जो चाइना में है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। और इस साल 13वां ब्रिक्स समिट 2021 मनाया गया जो भारत के न्यू दिल्ली में मनाया गया। और इस साल जो 13वां ब्रिक्स समिट 2021 था उसका जो मोटो था ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। नेक्स्ट है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO जो संघाई सहयोग संगठन है उसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। इसके जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में है और इसका जो स्थापना वर्ष है 15 जून 2001 और इसमें जो सम्मिलित देश हैं चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजिकिस्तान और किर्गिस्तान है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।